थ्रोट है यानी कि अगर गले में इन्फेक्शन है तो वैसे केसेस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं एंड बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए भी एंटीबायोटिक लेते हैं एंड उसे खा लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करिए, किसी को इसमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है यानी कि जो गले में खराश है जिसे हम फरेंजाइटिस कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी सिंपल सी प्रॉब्लम है जो बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गले में खराश है, सोर थ्रोट हो गई है यानी कि जिसे हम थ्रोट इन्फेक्शन या फिर मेडिकल टर्म में फेरेंजाइटिस कहते हैं। आप यहाँ इमेज में देखकर समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण आपको इसमें दिखते हैं, साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इलाज हो सकते हैं, क्या इसमें एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी होता है जो ज़्यादातर करके लोग करते हैं, एंड इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती है तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए हम पहले कारण को समझते हैं, क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो एलर्जी एक बहुत ही कॉमन कारण है इसके होने का। एलर्जी जो है हर इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी पॉल्यूटेंट से एलर्जी होती है। तो आपको किस चीज़ से एलर्जी होती है इंडिविजुअली सबके अलग अलग होते हैं। एलर्जी है या तो कोई फूड आइटम्स भी हो सकता है या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे पॉल्यूशंस की वजह से या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके आपको एलर्जी हो एंड उस एलर्जी के कारण आपको थ्रोट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना। तो सूजन आपको अगर आप किसी तरह के हॉट एंड स्पाइसी खाना लेते हैं तो उस कारण से भी गले जो है जल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाता है, और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण है एसिडिटी और रिफ्लक्स यानी कि बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है एंड ये जो गैस है एसिड रिफ्लक्स होती है यानी कि जो खट्टी डकारें आती हैं उनकी वजह से इसमें जो खट्टी डकारें आती है इस कारण से आपके जो गले हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, आपके जो गले हैं वो चोक हो जाते हैं, जो आवाज़ है उसमें भारीपन सा आ जाता है। सीजन है इसकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत तरह की हो सकती हैं, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कुछ लोग बाहर के खाना खाते हैं तो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी आपको इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ये तो हो गए कारण, किन किन कारणों की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि फेरेंजाइटिस हो जाती है। बेसिकली ऐसे केसेस में पेशेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर करके मेडिकल जो भी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर होती है वहाँ जाते हैं एंड वहाँ से एंटीबायोटिक लेते हैं एंड एंटीबायोटिक को खाने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि एंटीबायोटिक लेना हर प्रॉब्लम के लिए सही होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जो थ्रोट इन्फेक्शन होती है जैसे कि मैंने अभी आपको कारण बताया, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें डॉक्टर देते हैं यानी कि डॉक्टर आपको पहले चेक करते हैं कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन है किस कारण की वजह से है एंड देन उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एंड आपके कारण के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दिए जाते हैं। हर पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है आगे इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको इसमें हो सकते हैं। सो गाइस, जो फेरेंजाइटिस होता है, जो थ्रोट इन्फेक्शन होती है उसमें आपको गले में इरिटेशन सा महसूस होता है, उसमें इचिनेस लगती है, दर्द भी रहता है। जो दर्द है आपको गले में भी हो सकता है एंड ओवरऑल आपके बॉडी में भी यानी कि पूरे शरीर में भी दर्द हो सकती है। थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से आपको फीवर भी रहता है यानी कि बुखार भी रहती है। आपको खाना खाने में निगलने में भी काफ़ी परेशानी आती है, बहुत सारे पेशेंट को बोलने में भी परेशानी आती है क्योंकि जो इन्फेक्शन है इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सूजन्स भी आ जाते हैं जिसके कारण खाना निगलने में बोलने में परेशानी आती है। चलिए अब इसके इलाज के बारे में समझते हैं। स्वेक्स जो फेरेंजाइटिस के जो इलाज होता है ये सिम्टोमेटिक होता है यानी कि आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से चेक करवाइए, डॉक्टर को चेक करने दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन आप इस केस में मत करिए क्योंकि हर जो फेरेंजाइटिस का जो केस होता है, जो थ्रोट इन्फेक्शन होती है, डॉक्टर चेक करके ये समझ पाएंगे कि आपको फेरेंजाइटिस क्यों है,
बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि किन कारणों की वजह से होती है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, आपके कारण के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जो सबसे पहला हमारा इलाज है वो है अवॉइडेंस, यानी कि आपको पहले नोटिस करना जरूरी है कि किस कारण से आपको हो रही है। जिसके कारण आपको सोर थ्रोट हो रहा है तो उसे आपको अवॉइड करना है। अगर एलर्जी से हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड अगर आप बाहर से लेते हैं, इसके कारण से आपके गले में इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आपको उसे अवॉइड करना है। या फिर आपकी हैबिट्स है स्मोकिंग करने की, टोबैको च्यूइंग करने की, इस कारण से भी इन्फेक्शन होते हैं तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ठंडा पानी या फिर सोडा या ड्रिंक करने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट होता है गाइस, इसके लिए आप गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिटेड होता है। सॉल्ट जो होती है यानी कि जो नमक होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे आपके जो गले में इन्फेक्शन हो जाती है, जो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है उसे ये ठीक करता है। एंड साथ ही साथ जो अंदर की जो वॉल होते हैं, उसमें जो सूजन होती है, उसमें भी ये आपको काफ़ी रिलीफ देता है। तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल पूरे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट होता है गाइस कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एसिड की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपको एंटा एसिड देते हैं। आपको जो गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये जो आपको थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। अगर एलर्जी की वजह से आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नोटिस करना जरूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है, एंड देन आपको एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, जो को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है जिससे आपको एलर्जी हो रही है। इसके अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट में इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे गाइस की वार्निंग साइन क्या क्या है। अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, अगर इससे ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा गले में सूजन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके जो नेक है, जो गले हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, या फिर कोई एक ऐसा स्पॉट है, एक पार्टिकुलर स्पेस पे सूजन है, या फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वैसे केसेस में फिर आपको डिले नहीं करना है एंड इमिडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि मे भी चांसेस हो सकते हैं, जाइटिस होती है इसमें, प्रेगनेंसी की भी चांसेस होते हैं, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर को आपको जरूर चेक करवाना चाहिए एंड आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।